अरे भैया यही तो कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी अब झूठे और फरेब भी हो गए। अब ये बताइए कि जिसकी नियुक्ति के बाद 26 जून को नियुक्ति हो गई और 15 तारीख का पदस्थापन हो गया 15 जुलाई में, अब तो शर्म लग रहा है इन लोगों को। ये तो बताएं कि कब उसकी पोस्टिंग हुई, आप देखिए वेबसाइट में, पंचायती राज के वेबसाइट पर 15 जुलाई को उन लोगों की पोस्टिंग हो गई। इससे बड़ा शर्म क्या हो सकता है कि जो नौकरी कर रहा है उसको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। मरका झूठा पार्टी बन गए हैं आप लोग। आज ट्वीट किया और कहा कि जिस तरीके से गोपालगंज, ललन सिंह कह रहे हैं मरका झूठा पार्टी है आप लोग, जिस तरीके से गोपालगंज में आपके वोट परसेंट गिरे हैं उसको। ललन सिंह का राजनीतिक हैसियत क्या है? ललन सिंह है कौन? अरे वो नीतीश कुमार के नौकर हो सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है बिहार की राजनीति? क्या कुर्नी को लेकर पूरी तरह चुनाव देखिए, ये तो उनकी पार्टी के लोगों ने कहा है, उनके पार्टी के नेता लोगों ने कहा है। इससे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो चुका है और नीतीश कुमार जी के शासन में बिहार नहीं चल सकता है। ये उनके पार्टी के लोग चैलेंज कर रहे हैं। सर आप दिल्ली गए थे, बैठक हुई है बीजेपी का, क्या कुछ हुआ है? देखिए अभी हम लोग अब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उसी की बैठक थी, क्योंकि पहले वर्चुअल बैठक हुई थी, अब फिजिकल बैठक हुई, अब तैयारी हम लोग कर रहे हैं। फिर दो चुनाव में हम लोगों ने पूरी तरह जो महागठबंधन था उसको प्रस्त किया था, आगे भी जो कुरनी का चुनाव है उसमें हम लोग जीत हासिल करें। देखिए कुरनी में जो सीट है वो जदयू के हिस्से खाते चली गई है, राजद दावा कर रही है कि जीत होगी। अब जिसके भी खाते में जाए उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के खाते में यदि गई तो और अच्छा है, कि नीतीश कुमार तो अप्रासंगिक है, उनके पास कोई वोट नहीं है।